Duri. Kasturi. Koji? अरे 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 ये क्या कर रही हो? आप ही ने तो कहा था कि दोस्तों को ऐसे ही गले मिलते हैं। तुम्हें भूला नहीं। Very good. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अरे तुम यहाँ अकेली आई हो? मुंबई तक बिल्कुल अकेली? अकेली कहाँ, मेरे पास आपके भरोसे का साथ जो है, और वो आपका भरोसा ही तो है जो मुझे मेरे कबीले से यहाँ तक खींच लाया। तुम्हारा भरोसा मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें कल ही मैं उससे मिलवाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी, सलोनी। सलोनी? अरे हाँ, बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी की ओनर है वो। अरे रानी है, रानी। अच्छा? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बस आपकी कही हुई बात ही याद आ गई मुझे। कौन सी बात? यही कि जब दो सपने देखने वाले साथ मिल जाते हैं तो सारे सपने हकीकत में बदल जाते हैं। मेरी याददाश्त काफी अच्छी है। और मैं अच्छी नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। बस कस्तूरी, अब तुम बहुत बड़ी स्टार हो जाओ। अरे बंबई में नहीं, सारी दुनिया में तुम्हारी खूब धूमधाम होगी। हजारों लाखों लोग एक झलक पाने के लिए खूब बेचैन हूँ, और उनमें से शायद मैं भी एक हूँ। कुंवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इन सारे सपनों में तो आप मेरे साथ हैं। याद है आपको हमारा संजोया हुआ सपना? एक स्टेज होगा, उसमें हम साथ में नाचेंगे, गाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे। कस्तूरी, अब वो सपना थोड़ा बदल गया है। वो सब चीजें होंगी, स्टेज होगा, नाचना गाना, हजारों लाखों लोग होंगे, तुम होगी, लेकिन मैं नहीं होगी। कुंवर जी। हाँ कस्तूरी, मैं अब कभी नहीं गाऊंगा। कुंवर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं भी नहीं गाऊंगी। मैं यहाँ रहूंगी भी नहीं, चली जाऊंगी वापस अपने कबीले। कस्तूरी, मैंने अपने परिवार को वचन दिया है। और जो मुझे वचन दिया था उसका क्या? परिवार को जो वचन दिया वो निभाएंगे, मुझे जो वचन दिया उसको नहीं निभाएंगे। कस्तूरी मेरी बात समझो, देखो तुम्हें गाना होगा। कस्तूरी। कुंवर जी। कस्तूरी देखो, अगर कस्तूरी मेरे साथ नहीं है तो मैं। कस्तूरी मेरी बात समझो। कुंवर कस्तूरी, कस्तूरी नहीं, इधर देखो कस्तूरी, नजरें उठा के कस्तूरी, आंखें मिलाओ, तुम्हें गाना होगा कस्तूरी, तुम्हें हमारा सपना पूरा करना होगा, प्लीज मेरे लिए इतना नहीं करोगी? कुमार जी, कस्तूरी, कुमार जी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाय यश। हाय रंजीत। कब आए बॉम्बे से यार? अभी लौट रहा हूँ। कस्तूरी मिली? मिली थी पर। पर क्या? तुमने उसे बताया ना कि तुम्हारी उस सलोनी की सगाई होने वाली है? कैसे बताता यार, जब मैंने उसे इतना ही बताया कि मैं उसके साथ आगे कभी भी गाना नहीं गाऊंगा, वो फूट फूट के रोने लगी। तो सगाई के बारे में बताना तो जाने क्या कर बैठती है। यश भैया, वैसे आप कस्तूरी से कब तक छिपाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। मैं जानता हूँ बंशी, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने उसे सगाई के बारे में बताया तो जाने क्या कर बैठेगी वो, उसे नहीं पाएगी। और उसने खुद को कुछ कर दिया अगर तो? ए, ऐसे मत बोल, कुछ नहीं करेगी वो, कोई ना कोई रास्ते से निकलेगा।
लेकिन शिवजी निकाले देते रास्ते। हेलो, जयराज बोल रहा हूँ अमेरिका से। जयराज भैया नमस्ते, कब लौट रहे हैं अमेरिका से? भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाई साहब मैं मानता हूँ 10 करोड़ का नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब। लेकिन भाई साहब मेरे नहीं भाई साहब प्लीज ऐसा मत करिए भाई साहब फॉर गॉड सेक ऐसा मत करिए भाई साहब। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अपने शब्द वापस ले लीजिए भाई साहब प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाई। हेलो भाई विक्रम, किसका फोन है बेटे, क्या बात होगी? पिताजी जयराज भाई साहब का क्या कह रहा था? डैड का फोन था, क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था विक्रम, ये कुछ बोलो तो सही। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर जयराज की लीगल नोटिस है। मुझे इसका जल्द से जल्द जवाब चाहिए, कुछ लीगल तस्वीर इसका। मैं चलता हूँ, मैं कल शाम बैठ जाऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट। सब क्या हो रहा था तू? डैड इस घर में तब तक कदम नहीं रखेंगे जब तक विक्रम जी अंकल इस घर से चले ना जाए, सारे नुकसान का पैसा ना भरे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से मैं अमेरिका से आया हूं कुछ ना कुछ नई समस्या यहां खड़ी हो जाती है रोज की रोज। ये समस्या नहीं है बेटे, एक बहुत बड़ा बवंडर है। हमारा एक घर, हमारे पुरखों का महल अब नहीं बचेगा, अब टूट जाएगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा। ऐसा डैड कर क्यों रहे हैं? इतना बड़ा फैसला और वो भी लीगल नोटिस के साथ। इस बात का मुझे डर था, वही बात हो रही है। एक समस्या थी तो उसे घर में बैठ के सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, पूरे शहर की चर्चा का विषय बन जाएगी वो। इस छोटे भाई ने बड़े भाई का 10 करोड़ का नुकसान किया, बड़ा भाई अब उसे कचहरी का सीट है। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा, हमारे शाही खानदान और बाकी लोगों में फर्क ही क्या है? डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए, अब तो सारा मामला भी सॉल्व हो रहा है। डैड ऐसा नहीं कर सकते। नहीं यश, मुझे मेरे पापों की सजा भुगत लेने दो। बहुत साजिशें की हैं मैंने इस परिवार के खिलाफ, अपनी हर गलती का हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा ना मुझे। मां ठीक कहती थी कि विक्रमजीत तुझे इस धरती में कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तू भागता फिरेगा मगर तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। ये सब कुछ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। विक्रमजीत अंकल, जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, क्योंकि अब आप बदल गए हैं। आप जो पहले थे वो अब आप नहीं है। यू आर अ चेंज्ड मैन, यू आर अ नाइस मैन। यश ठीक कह रहा है, अगर विक्रम के साथ ऐसा कुछ होता है बहुत बड़ी गलती है। ये सिर्फ विक्रम का सवाल ही नहीं है, पूरे खानदान का सवाल है, पूरा खानदान शर्मसार हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं डैड से बात करूंगा।
Come on, come on. Hello? Hello? Hello, Dad, Yash bol raha hu. India se. Dad, ye kya Vikramjit uncle ke khilaf court ka notice? Pitaji? Pitaji, please. आप इसी वक्त अपने लॉयर से बात करके ये नोटिस वापस ले लीजिए। डैड, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस डैड, हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। डैड प्लीज डैड, ओनली दिस रिक्वेस्ट। डैड आप जानते नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, घर पे कितना बड़ा तूफान आया है। एंड डैड, विक्रमजीत अंकल बदल गए हैं, इज अ चेंज मैन नाउ। वो जैसे थे अब बिल्कुल भी वैसे नहीं है। He's a nice man, Dad. Dad, please, आप उनको एक मौका और दीजिए। और अब तो पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं है। हेलो 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 डैड, हेलो क्या कहूंगा मैं? यही तो दुख की बात है पिताजी कि जब सारा परिवार बाहें फैलाकर मुझे अपनाना चाहता है, ठीक उसी वक्त मुझे घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। पिताजी, सिर्फ इतनी सी ही तो मेरी चाहत थी कि जो खुशी के पल मैं आप लोगों के साथ नहीं बिता सका, एक दफा फिर से आप लोगों के साथ जी सकूं, सबके सुख दुख बांट सकूं, मां पिताजी की सेवा कर सकूं। ऊपर वाले को जब नहीं मंजूर है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? चाचा जी आप घर छोड़कर मत जाओ चाचा जी। अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? रोकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा है? तुझ पर तो मैंने चोरी का इल्जाम लगाया था ना, मारा था ना तुझे मैंने, मगर हम तो आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। रंजीत, मेरी जिंदगी से सबक ले, गलत रास्ते पर चलना छोड़ दे, वरना ये गलत रास्ते तुझे अपने से इतना दूर कर देंगे कि तू वापस आना चाहे। अंकल प्लीज मत जाइए, कम से कम सगाई तक तो रुक जाए। नहीं यश, अच्छा है ऐसी शुभ घड़ी में मुझ जैसे पापी और मन्नू साधने की छाया पड़ सकती है। अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो इस घर की खुशियां फिर से यहां लौट आएंगी। और रही बात मेरी, तो थोड़े दिनों में सारे लोग मेरा जन्म भूल जाएंगे। नहीं विक्रम जी, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस घर के चिराग हो, इन चार दीवारों से दूर जाने से कोई बेदखल थोड़ी हो जाता। जयराज ने अपना फैसला सुनाया है, अब मैं उसे अपना फैसला सुनाऊंगा। नहीं पिताजी, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जयराज भैया को और ठेस पहुंचे।
वो जो चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना है पिताजी कि मां आपकी बहू को यह मत पता लगने दीजिएगा कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, वरना आने वाले बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हे राम हाँ जय मैं बोल रहा हूं, जैसा तू चाहता था वैसा हो गया। विक्रम घर छोड़कर चला गया है तो तेरे दिल को शांति हो गई ना? शांति मिल गई ना तुझे? तू घर का बड़ा बेटा है, तूने जो किया बेटा ठीक किया, लेकिन एक पीड़ा है मेरे दिल में। जब तेरा भाई बुरा था तूने उसे सहा, कुछ नहीं कहा उसे, मैंने भला बुरा कहा, तूने उसे सहारा दिया और आज जब वो ठीक हो गया है, हम सब कह रहे हैं वो ठीक हो गया है, तब मेरा देख मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। कहां जाऊंगा? नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे, नहीं कुछ नहीं सुनना। मेरा घर दिन का दिन का होके बिखर रहा है, घर से मुझे